यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल गया है दोस्तों, जैसे स्कूल का फॉर्म निकला है उसी तरह यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्लास फर्स्ट का, क्लास सिक्स का और क्लास नाइन्थ का फॉर्म निकल गया है 2021 से 22 का। इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो ब्लर लगे तो आपको क्वालिटी या इंटरनेट स्पीड चेक करना पड़ेगा। आपके एरिया में अगर इंटरनेट का स्पीड स्लो रहेगा तो YouTube ऑटोमेटिक ब्लर दिखाता है, तो आपको क्वालिटी सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 340p में या 720p में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। वैसे आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है, फटाफट चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले साइनअप पे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, ये खुलेगा। साइनअप पे क्लिक करना है और साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको पहला नाम देना है, जैसे सोनू खान साहब के मैं अप्लाई करता हूँ। सोनू खान हो गया, फर्स्ट नेम सोनू होगा और इनका मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम इनका खान हो गया, ठीक है, सोनू खान। अब डेट ऑफ बर्थ इनका है 1 अप्रैल 2007, तो इनका हम चलेंगे 2007 में, अभी फटाफट चलेंगे 2007 में। यहाँ गए और आपको 2007 सेलेक्ट करने हैं, 2007 विल कम हेयर 2007, ठीक है, इनमें 1 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सोनू खान 1 अप्रैल 2007। आधार नंबर देखिए यहाँ लिखा है कि एंटर नंबर, दिस इज नॉट मैंडेटरी, तो मैं छोड़ देता हूँ, है ना, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ अपना नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ईमेल आईडी भी मैं अपना दे दे रहा हूँ, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पासवर्ड मैंने रख लिया, मैं कुछ भी रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं रख लेता हूँ Delhi@2021, ठीक है, आप अपने हिसाब से रखिए। डी मैंने कैपिटल किया है Delhi@2021, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट करके आपको यहाँ पे एंट्री करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट करके आपको यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको ये देखिए ईमेल आप अपना जाइएगा, ईमेल पे आपको जाके वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए वेरीफाई ईमेल किया, यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो गया। अब देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सोनू खान। तो होम पे जाना है सबसे पहले दोस्तों। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फिर से आप यूजर नेम और पासवर्ड से एंट्री करके आप अपने प्रोफाइल में एंट्री कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल फिल करनी है, प्रोफाइल के बाद एड्रेस फिल करनी है, एड्रेस के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर फोटो, जैसे मैंने फोटो अपलोड किया है, ये देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर, फोटो और थंब इंप्रेशंस। उसके बाद आपको कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा, अगर आप इसने कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपको ये फिल करना है, नहीं तो अप्लाई पे जाना है। अप्लाई पे जाने के बाद आप जनरल फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास स्कूल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देनी है, प्रोसीड करने के बाद पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपका बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा। तो सिंपल 6 स्टेप से आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा, करेक्शंस का ऑप्शन आएगा। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ दे रखा है कि आपको करेक्शंस का अलग से सेपरेट विंडोज मिलेगा। जैसे ये देखिए करेक्शंस के लिए साफ साफ दे रखा है कि 16 मार्च से लेकर 18 मार्च 3 दिन आपको मिलेंगे करेक्शंस करने के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास आप अप्लाई कीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हेल्प डेस्क पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हे दोस्तों, अनअकैडमी लेके आया है जेईई नीट फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8, 9 and 10 एंड NTSC नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। ये जो टेस्ट होने जा रहा है वो 14 फरवरी को टेस्ट होगा और सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री है, और फ्री कब हो जाएगा, जब मेरा कोड आप यूज करेंगे तो ये कोर्स फ्री हो जाएगा। अब इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, सेपरेट टेस्ट होगा क्लास 8वीं का, 9वीं का और 10वीं का। टेस्ट जो होगा वो NCERT पैटर्न्स पे होगा और थोड़ा एडवांस लेवल होगा कि आपका जेईई नीट का फाउंडेशन कोर्स को कवर किया जाए। जो इसमें क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो देश के बेस्ट एजुकेटर सेट करेंगे और आपकी तैयारी अच्छी करवाएंगे। डिटेल एनालिसिस होगा हर एक टेस्ट के बाद, और अटेम्प्ट आप इसको लाइव कर सकते हैं, और जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगा तुरंत। और इसके साथ साथ आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, और प्राइजेस के साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए या मुझसे सवाल पूछिए। देखिए टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा, आप जेईई नीट का फाउंडेशन का टेस्ट अभी से ध्यान देंगे तो आपका जेईई नीट हलवा बन जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जेईई नीट का एग्जामिनेशन। क्योंकि जब जड़ मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो इसके ऊपर बिल्डिंग 500 माला 500 तल्ला बना सकते हैं, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तब। इसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आप देखिए अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो हमेशा आप बीट करेंगे।
ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। जैसे रैंक 1 से 5 आएगा तो आपको 1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा, अमेजन पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको 3500 रुपया का मिलेगा और जिसका रैंक 6 से 10 तक आएगा उसको सब्सक्रिप्शन प्लस वाउचर मिलेगा, 750 रुपया का अमेजन वाउचर मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलेगा 3500 रुपया का। एनरोल करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, वहां एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप मेरा इनवाइटिंग कोड टीबीआईटी यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं क्लास 8वीं वाले, 9वीं वाले और 10वीं वाले। तो ये वाला जो टेस्ट सीरीज है जरूर इस पे आप अप्लाई कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।